जी मैं श्रावणी गोस्वामी आप लोगों के सामने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ अनिकेत जी ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम एकनाथ जी के सामने हैं, उनके साथ एक ही मंच में हैं। और क्रिकेट तो ऐसा खेल है कि हम बचपन से हम भी खेलते थे, हर किसी को शौक है, हर गली गली में खेला जाता है और कहाँ से कहाँ कौन कहाँ पहुँच जाता नहीं बोल सकते हैं। पर हमारे आशीर्वाद भी बोल सकते हैं, हमारी दुआएं, हमारी विशेष आप सभी के साथ है। आप लोग इसी तरह खेलते रहिए और हार जीत हमेशा रहेगा ही, लेकिन मैं विश करती हूँ कि आप लोग जीते हमेशा और इसी तरह दिल लगाकर अपना खेल खेलते रहिए। और ये पहली बार मैं भुसावल में आई हूँ, यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह स्वागत किया है। यहाँ आप सब इवन जो यहाँ की जो महिलाएं बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया है, हर चीज के लिए कोई चीज की कमी नहीं रखी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप लोग चाहेंगे तो हमेशा आएंगे। और हमारी फिल्म अगली फिल्म आने वाली है राज कपूर और जेंटलमैन, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। ठीक है, थैंक यू। ऑलरेडी 27-28 सीरियलों में काम और उसके साथ कई फिल्मों में अपना अभिनय प्रदर्शित करना और मैं बड़े सम्मान के साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के सुप्रसिद्ध गायक और संगीत के महापंडित सुरेश जी वाटकर सर, इनका एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता चलो आई रिक्वेस्ट यू कि वो मैसेज आप तमाम लोगों तक पहुंचाए, ऐसी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, मैं सुरेश वाडकर, निखिल खडसे प्रतिष्ठान तर्फे सादाबाद प्रमाणे या वर्षी क्रिकेटच्या टूर्नामेंट्स होत आहेत आणि आज त्याचा पारितोषिक समारंभ आहे। मी सर्व प्रतिस्पर्धींना, सगळ्या संघांना आणि जे जे ह्याच्यात विजयी झालेत त्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू।